रहमान रहीम। मेरे मोहतरम नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, डेरा लायार के गयूर अवाम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों, ये आज का जो योम यकजहती कश्मीर रैली है, ये अपने कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए निकाली जाती है। पिछले तकरीबन 30-31 सालों से जमात इस्लामी ने ये शुरू की है और हर 5 फरवरी को ये रैली निकाली जाती है अपने बहनों और भाइयों की हिमायत में। मेरे भाइयों, अर्ज है कि खैरात में चंद सिक्के मिल सकते हैं। आज तक भीख में किसी ने ज़मीन किसी को खैरात नहीं दी। मेरे भाइयों, ज़मीन जोर शमशीर, जोर बाजू, ताकत से हासिल की जाती है, ना कि खैरात से। हमारे वज़ीर आज़म साहब कभी 1 मिनट की खामोशी का ऐलान करते हैं, 1 मिनट की खामोशी नहीं, 1000 साल आप खामोश रहें, कुछ नहीं होने वाला है। ये तब हो सकता है जब अल्लाह के बंदे अपने भाइयों के लिए, मदद के लिए जहाद का ऐलान करें, अपने भाइयों को जहाद के ज़रिए से हम लोग आज़ादी दिला सकते हैं। बाकी ये जो हम 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर बनाते हैं, ये ताकि दुनिया को दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए कि बलूचिस्तान के दूर दराज के इलाकों में, सोबतपुर में, डेरा बुक्टी में, कोलू में, मैं जहाँ जहाँ बलूचिस्तान के तुर्बत आवारान तक ये रैली अपने भाइयों से इजहार यकजहती के लिए मनाई जाती है। ये सिर्फ अक्वामे मुत्तहदा के आंखें खोलने के लिए, अक्वामे मुत्तहदा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आज तक किसी एक मुसलमान मुल्क को उसने आज़ादी दिलवाई, जहां पर कुफार, यहूद और मुशरिकीन के मसले हों, वहां पर एकदम से कार्रवाई पर अमरीकी जहाज, जिस तरह अफगानिस्तान पर 47 नेटो के मुल्क मिलकर अफगानिस्तान पर हमला किया, मगर अल्लाह ने वहाँ पर भी इनको जलील ख्वार किया, वहाँ पर भी अल्लाह ने इनको रुसवा किया और मुजाहिदीन ने इन्हें ज़मीन बोस कर दिया। इसी तरह जब इराक का मामला हुआ, झूठ बोला इन लोगों ने कि इराक के पास एटमी हथियार है, वो आज तक नहीं मिले, सिर्फ इराक को बर्बाद करने के लिए, उसके तेल के ज़खायर कब्जा करने के लिए अक्वामे मुत्तहदा अमरीका अपने हवारियों के साथ मिलकर इराक को तबाह बर्बाद कर दिया। मेरे भाइयों, ये हमारे और आपके लिए कुछ नहीं करेंगे जब तक हम खुद, जैसे हिंदुस्तान में एक हिंदू पसंद, एक हिंदू बुनियाद पसंद हुकूमत मौजूद है, 3 दफ़ा से वाजपेयी की बीजेपी की हुकूमत 3 दफ़ा से वहाँ पर आ रही है, तो इसी तरह यहाँ पर इस्लाम परस्त लोगों की हुकूमत आनी चाहिए। उसका मुकाबला हम तब कर सकते हैं। ये बुजदिल हमारे हुक्मरान, जो नालायक नाहिल, हमारे रास्ते में मोदी रुकावट नहीं है, हमारे रास्ते में अपने लोग रुकावट है, हमारे मुजाहिदीन को अपने लोगों ने रोका हुआ है, हमें हमारे हुक्मरानों ने रोका हुआ है। जिस दिन यहाँ पर गैरतमंद ईमानदार क़यादत आ गई, कश्मीर की आज़ादी कोई मुश्किल बात नहीं है। हमारे आबा अजदाद ने, मैं सैकड़ों सालों से हम लोगों ने हिंदुस्तान को अपने पाँव के नीचे रौंदा है, सैकड़ों सालों से, और कई बार कभी गजनवी के सूरत में, कभी मुगलों के सूरत में, कभी मोहम्मद बिन कासिम के सूरत में, बार बार हमने इनको लताड़ा है। हमारी अब बदकिस्मती ये है कि हमारे ऊपर हुक्मरान बेगैरत है, मुसलत हैं। जिस दिन इनको हटाएंगे, इंडिया को भगाना, इंडिया को तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हमारे पास ताकत है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के सामने किसी में जुर्रत नहीं है हमारे मुकाबला करने की। हमारी बदकिस्मती है कि हम बेगैरत हुक्मरानों के नीचे हैं।